सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त रुपेश और आप सभी का स्वागत करते हैं आप ही के अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी के व्हाट्सएप मैसेजेस को अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो आप कैसे जो है आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए कर देते हैं इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर वो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप इसे किसी के मोबाइल को हैक करने के लिए इस्तेमाल करते हो या फिर अपने ही काम के लिए इस्तेमाल करते हो। गाइस, इस वीडियो में मैं बीच में या फिर आखिर में कहीं पर भी आपको एक ऐसा बोनस ट्रिक बताने वाला हूँ जो इस फीचर से रिलेटेड है या फिर कह सकते हैं इस ट्रिक से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन बने रहिए इस वीडियो के साथ। सो गाइस, यहाँ पर देखिए कि ये हमारा एक व्हाट्सएप है और अब जो है इस व्हाट्सएप को मैं अपने मोबाइल में जो है वो लॉगिन करने वाला हूँ। तो समझ लीजिए ये किसी और का मोबाइल है। अब जो है मैं चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल में इनके व्हाट्सएप को मैं लॉगिन करूँ। सो गाइस, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में आ जाए और यहाँ पर जो है आप सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद जो है आप यहाँ पर सिंपली लिख देंगे दोस्तों व्हाट्सएप वेब। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये व्हाट्सएप वेब है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो सर्च कर लेने के बाद कुछ इस तरह से जो है आपके सामने साइट आ जाती है और आप यहाँ पर अगर कोई भी ढूंढेंगे दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पर QR कोड जो बोलते हैं या फिर जो कोड है वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर 3 डॉट्स है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। तो ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो है ये स्पेशली जो है डेस्कटॉप साइट के लिए बनाया गया है। कहने का मतलब ये लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए ही बनाया गया है, लेकिन आप इसका डेस्कटॉप मोड में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ये हमारा डेस्कटॉप मोड में ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक QR कोड जो है वो आ चुका है। अब ये जो कोड है ये हमें स्कैन करना होगा, इसके लिए हमें सामने वाले पर्सन का जो है फ़ोन लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ ये कोई हैकिंग वाली सिस्टम नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे परमिशन बकायदा लेनी पड़ेगी और आप क्या कर रहे हो वो भी अगर देखेगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मुझे लगता है ये कोई हैकिंग वैकिंग नहीं है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं नज़र चूक कर तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप करना चाहते हैं किसी का भी। तो मैंने लॉगिन कर लिया है और आप देख सकते हैं कीप मी लॉगिन, वहाँ पर एक साइन होता है लिखा हुआ कीप मी लॉगिन, अगर आप उस पर टिक करते हो तो ये हमेशा के लिए लॉगिन रहेगा जब तक कि सामने वाला इसे लॉग आउट नहीं करेगा या फिर आप लॉग आउट नहीं करोगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैसेजेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वाले फ़ोन में ये मैसेजेस आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यही मैसेजेस जो है वो आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर जो मैं बोनस टिप्स की बात कर रहा था दोस्तों, उसमें ये है कि अगर जब तक कि ये सामने वाला बंदा नेट कनेक्ट नहीं करेगा या फिर ऑनलाइन नहीं आएगा तब तक आप जो है इसे नहीं देख पाओगे। जी हाँ दोस्तों, जब तक ये ऑनलाइन है तब तक आप इसे देख पाओगे कि क्या हो रहा है इनके व्हाट्सएप पर। और अगर इनका नेट बंद हो जाता है, कहने का मतलब इनका अगर नेट बंद हो जाता है तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। चलिए अब दूसरी बोनस ट्रिक की बात करते हैं। सो यहाँ पर अब दूसरी जो बोनस ट्रिक है वो ये है, कई बार क्या होता है कि जिस फ़ोन में आपने स्कैन किया था, जैसे इस फ़ोन में हमने स्कैन किया था तो सामने ऊपर में जो है एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो है डेस्कटॉप मोड के लिए यानी व्हाट्सएप वेब आपका एक्टिव है, जिससे सामने वाले को पता लग जाता है और सामने वाला तुरंत उसे लॉग आउट कर देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर इनके मोबाइल में और एक सेटिंग करनी होगी। तो हमें ये जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद में आपको क्या करना है, ऐप्स में आना है दोस्तों और आपको व्हाट्सएप में आना है। व्हाट्सएप में आने के बाद में आपको जाना है यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पे जो अदर नोटिफिकेशन है जो कि अभी बंद है, यहाँ पर अगर ये ऑन रहता है तो ऊपर में जो है मैसेज शो करेगा कि आपका व्हाट्सएप वेब एक्टिव है। अगर ऐसा आप करते हो तो कोई मतलब नहीं बनता है, आपका जो व्हाट्सएप है वो वहाँ पर लॉगिन दिखाएगा, वो अगला जो है उसे लॉग आउट कर देगा, उसे डाउट आ जाएगा कि आपने जो है कुछ किया है। सो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है, ऐप्स में आना है और ऐप्स में आने के बाद आपको अदर नोटिफिकेशन को निकाल देना है, तब जाकर जो है यहाँ पर ऊपर में नोटिफिकेशन नहीं दिखाएगा, अदरवाइज आपने जो भी किया है वो सारा धरा का धरा रह जाएगा। सो गाइज, ये थी हमारी बोनस ट्रिक। और दोस्तों,
इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आप ऐसे कोई भी गलत काम ना करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्राइवेसी सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और अगर रही बात दोस्तों ये जो मैंने आपको बातें बताई है या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन बताई है, वो इसलिए बताई है कि आपको इस बात का नॉलेज हो, ताकि आगे चल के अगर कोई भी ऐसा दिक्कत आता है या कोई भी ऐसी बात हो जाती है जिससे कि आपको लगता है कि यहाँ पर ये करना ज़रूरी है, तब आप ये कदम ज़रूर उठा सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।